नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस वक्त हम मौजूद हैं R9 टीवी के साथ गुरुग्राम की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में। इस वक्त हम बात करेंगे प्याज के बढ़ते हुए दामों को लेकर। प्याज जो है 60 रुपए किलो के हिसाब से भी और ऊपर जा रही है। बात करते हैं आम जनता से कि आम जनता की इसमें क्या राय है, किस तरीके से या तो प्याज खाना छोड़ देंगे या फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। सर, प्याज का रेट जो है वो सातवें आसमान पर छू चुका है, 60 से 70 रुपए किलो होने वाली है प्याज, इसमें आपकी क्या राय है? मैडम, अब चारों तरफ प्याज है ही नहीं तो दाम तो बढ़ेंगे ना। ऑल ओवर इंडिया में पूर्ति करनी है प्याज की, हर तरफ बाढ़ है, पानी है, प्याज की जहाँ से नई प्याज आनी चाहिए वहाँ से आ नहीं पा रही, तो इस चक्कर में प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। जिन लोगों को 5 किलो प्याज की डिमांड होती है वो 2 किलो ले रहे हैं, जो डेली यूजेज प्याज वाले हैं, खाने वाले, जो हैंड टू माउथ वाले हैं, वो प्याज ले नहीं रहे। इस वजह से मार्केट में प्याज का उठाव भी कम हो रहा है। तो यानी कि आपको वाकई में लगता है कि प्याज जो है वो वाकई में आम जनता को रुला रही है? बिल्कुल मैडम। तो आपने देखा, कुछ करना चाहिए या तो कहीं से इम्पोर्ट करें या कुछ भी करें। आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी प्याज खाते होंगे भाई साहब, ऐसा नहीं है, आप भी प्याज खाते होंगे, खाते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि वाकई में आम जनता को रुलाने वाली बात है 60 रुपए किलो प्याज? वो तो गरीब आदमी मरा जाएगा ना, प्याज महंगी है, कितना लेगा? ज्यादा किसी का 250 ग्राम लेगा, 1 किलो लेने वाला तो 250 ग्राम लेगा। भाई साहब, इसमें आपका क्या कहना है कि प्याज जो है अब उसके रेट इतने हाई हो चुके हैं कि आम जनता उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है? नहीं, वो तो नेचुरली सबके लिए है, मेरे लिए अकेले स्पेशल नहीं है। जब करेगी गवर्नमेंट तो उसके आगे सब मिलेगा, तो सस्ता होगा तो सबको मिलेगा। अब वाकई में आपको लगता है कि प्याज रुला रही है, तो क्या इसमें प्याज खाना छोड़ देंगे या फिर कुछ और सेकंड ऑप्शन? नहीं छोड़ सकते, खाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, तो 100 ग्राम के जगह 50 ग्राम लेना पड़ेगा, 20 ग्राम लेना पड़ेगा बस। तो ये थे हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट गुड़गांव की सब्जी मंडी से। हालांकि प्याज के रेट हाई हो चुके हैं और आगे भी हाई होने की संभावना है। कैमरामैन केसर के साथ प्रियंका, R9 TV, गुड़गांव।